तो फ्रेंड्स आने वाली है तीज, और तीज पर हम ग्रीन कलर की कांच की कौन कौन सी चूड़ियाँ किस तरीके से डिजाइन बनाकर पहन सकते हैं, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तीज पर जो कांच की हरी चूड़ियाँ वो पहनना बहुत शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करने ना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह की लाख की चूड़ियाँ हैं अलग अलग ग्रीन कलर की, तो उनको हम मिक्स एंड मैच करके एक साथ पहन सकते हैं। और मेरे पास ये मोटे वाले कड़े हैं, इनको इसके अराउंड इतना, अगर आप कम पहनना पसंद करते हैं तो इतना आप पहन सकते हैं, अगर बट आपको ज़्यादा पहनना है तो हम इसमें मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ये मेरे पास ग्रीन कलर की बैंगल्स हैं, ये मैं इसमें इस तरीके से आप खुद 3 और फिर यहाँ पर 3 इस तरह से आपको मिला देना है। तो आप इतना भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको और अच्छा वाला अट्रैक्टिव लुक चाहिए तो आपको, मेरे पास ये कड़े हैं तो इनको मैं इस तरह आगे पीछे लगा दूंगी। गोल्डन, अगर आपकी साड़ी में गोल्डन वर्क है तो इस तरह से आप ग्रीन कलर की बैंगल्स को मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। और देखो काफ़ी महंगा वाला चूड़ा सेट ये लग रहा है, जबकि मैंने खुद से अपने जो मेरे पास कलेक्शन था उसमें से मैंने ये बनाया है। और ये मैंने अभी हाल ही में अभी तीज की वीडियो बनाई थी उसमें ये मैंने कैरी किया है, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स पहनने के बाद ये इस तरीके से लगता है। सेकंड में फ्रेंड्स आप इन्हीं बैंगल्स को इस तरह के छोटे नग वाले, जो ये स्टोन वाले जो बैंगल्स होते हैं, इनको आगे पीछे लगाकर इस तरह पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक ही हाथ में बैंगल्स पहनते हैं तो सारी बैंगल्स एक ही हाथ में पहन के दूसरे हाथ में आप वॉच कैरी कर सकते हैं। इस तरह से लगती हैं ये भी। थर्ड में फ्रेंड्स आप इस तरह की जो ये स्पार्कल वाली जो बैंगल्स होती हैं प्लेन सिर्फ ग्रीन कलर की ही, आप इनके पीछे आगे पीछे कड़े लगाकर अच्छे वाले गोल्ड या पर्ल वाले मिलाकर आप पहन सकते हैं। जैसे मेरे ये वाले पर्ल वाले कड़े हैं तो इनको मैं इस तरह से तरह आप आगे पीछे मिलाकर और पहन सकते हैं। 12 आपको चूड़ियाँ लेनी है, आगे पीछे ये पर्ल वाले बैंगल्स लेने हैं, इस तरीके से लगेंगे। आप फ्रेंड्स चाहें तो आगे पीछे की बजाय इस तरह का एक बड़ा वाला बैंगल जो आता है आप सिर्फ आगे आगे लगा सकते हैं और इस तरीके से पहन सकते हैं। ये भी काफ़ी यूनिक और नया लुक लगता है। और फ्रेंड्स ये मेरे पास एक बॉक्स है डेली पहनने वाली चूड़ियों में से, तो ये मेरे पास लाइट ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, इनको भी मैं मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये 3 अलग अलग तरह की हैं और इनको मिलाते हैं हम, इस तरह की ये लगती हैं। आप चाहें तो इनमें भी आगे पीछे बड़े बड़े बैंगल्स लगा सकते हैं। लगा के दिखाती हूँ मैं, अगर आपके पास इस तरीके के बड़े वाले भी हैं तो इनको भी आगे पीछे इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें ग्रीन कलर भी है इस तरीके से। देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये भी, और ये मेरी डेली पहनने वाली चूड़ियाँ हैं, कोई बता भी नहीं सकता। फ्रेंड्स अगर आपको प्लेन बैंगल्स पसंद हैं तो इस तरह की प्लेन बैंगल्स भी आप पहन सकते हैं, बस आपको इनके आगे पीछे इस तरह के जो उठे हुए वाले स्टोन वाले कड़े होते हैं ये लगाने हैं आपको। और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत सिंपल एंड रॉयल। ये मैंने बैंगल्स कम लगाई हैं, आप चाहें तो 12 लगाकर यहाँ तक का आपका सेट हो जाएगा। मेरे पास ये प्लान बैंगल्स कम बची हैं तो इसलिए मैंने इतनी लगाकर दिखाई हैं। ये बड़ा वाला बैंगल्स भी आगे कैरी कर सकते हैं तो इस तरह से लुक आएगा। और इन चूड़ियों में प्लेन में चाहें तो आप डिजाइन वाली चूड़ियाँ भी मिला सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, जो ये थी डिजाइन वाली चूड़ियाँ, इनको हम इसमें मिक्स एंड मैच करेंगे। तो ये सबसे पहले हमें 1 लगा देनी है, इसके बाद हमें ये 2 लगानी है, इसके 2 के बाद फिर हमें ये 2 लगानी है, और इसके बाद हमें ये 1 लगानी है। तो ये इस तरीके का सेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये इस तरीके से लगेंगी। तो फ्रेंड्स ये थी फुल वीडियो की, आप जो है तीज पर कैसे अपनी बैंगल्स को, ग्रीन बैंगल्स को मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।